लीडरशिप बोनस, ये भी होता है हमारा 5-15%। सिक्स होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग जो हमारे को स्टार डायमंड बनने के बाद में 2% की प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। सेवंथ इनकम होती है इसमें TSI, इंटरनेशनल ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट 2%, जो कि स्टार एजेंट बनने के बाद में मिलना स्टार्ट हो जाता है। एट इनकम हो गई मोबाइल इंसेंटिव, जो कि है 12,500 रुपए। उसके बाद में है ओवरसी इंसेंटिव, जो कि है 1,00,000। इस तरीके से DXM को ज्वाइन करने के साथ ही आपको 9 तरीके की इनकम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है 10-20%, और साथ में ही पर्सनल बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप किसी को रिकमेंड करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं नेटवर्क में, तो आपको ग्रुप बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है, और वो डेवलप हो जाए, उसको डेवलप जब आप लोग कर देते हैं तो उसके बाद में डेवलपमेंट बोनस स्टार्ट हो जाता है। जब आप खुद स्टार डायमंड बनने के बाद में अपने किसी भी पर्सन को, अपने साथ में रिक्रूट किए हुए पर्सन को लीडर बना देते हैं, तो वहां से आपको लीडरशिप बोनस स्टार्ट हो जाता है। और डायमंड बनने के बाद में प्रॉफिट शेयरिंग, TSI, स्टार एजेंट बनने के बाद में मोबाइल इंसेंटिव, जो कि 3 लोगों जो आपके डायरेक्ट में होंगे उनके 60-60,000 PV हो जाने के बाद में आपको 12,500 मिलता है। और इसी तरीके से अगर आपके नीचे 5 लोग जो डायरेक्ट में हैं, उन लोगों को अगर 12,500 ये वाला मोबाइल इंसेंटिव मिल जाता है तो आपको 1,00,000 मिलता है। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग प्लान। अब बात करते हैं कि IOC क्या है। IOC ये एक तरीके से मान लीजिए ये एक केक है और इस पर एक क्रीम लगाने का काम कर रहे हैं IOC, जिससे कि हमारी जो इनकम है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। बढ़ने के लिए हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये एक इंटरनेशनल पैकेज है। इंटरनेशनल पैकेज इंडिया के अंदर इसका जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज है, जिसमें आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको मिलेंगे ISV और PV बोथ आर द सेम 10,000। अब जब भी इस प्लान में कोई भी आता है तो वो ये प्लान लेता है और उसको जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद में अगर ये बंदा अपने नीचे किसी भी पर्सन को यही प्लान, ये IOC देता है या दिलाता है जनरेशन 1 को, तो यहाँ से इसको एक छोटी सी इनकम आती है जिसको हम कहते हैं 1,500 रुपए। उसके बाद में जैसे ही ये पर्सन किसी को भी ज्वाइन कराएगा सेम IOC प्लान से जनरेशन 2 में, तो यहाँ से इसको तो आएगा 1,500 रुपए, यहाँ से इसको आएगा 1,000 रुपए। उसके बाद में जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ चलने लगते हैं तो थर्ड से लेकर के नीचे 11th जनरेशन तक यहाँ से 500 पर पर्सन इस ऊपर वाले पर्सन को आएगा, और उसके बाद में 12th जनरेशन के बाद में उसको प्रॉफिट शेयरिंग का 1.5% उसको मिलता रहेगा। यानी कि अदर कंपनीज की तरह इसमें कोई कैपिंग वैल्यू नहीं है, जैसे और कंपनीज में रहता है कि आपको 2 लाख पर वीक से ज्यादा नहीं मिलेगा या इस तरीके से जो भी उनके नॉर्म्स रहते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी कैपिंग वैल्यू नहीं है, सबसे अच्छी बात। दूसरी जो बात है इसमें आपको 1 लाख से भी पैसा आता है, 1 लाख से, जबकि अदर कंपनी में होता है कि आप हैं बाइनरी प्लान के अकॉर्डिंग आपने 2 लगाने पड़ेंगे, मतलब एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई बैलेंस नहीं बनाना, यहाँ पे सिंपली आप अपने साथ में डायरेक्ट में कितने भी लोगों को आप जोड़ सकते हैं और वो लोग कितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये प्लान के अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ सकते हैं 1-1-1 स्ट्रक्चर की, जो कि मैं अपनी PPT में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में 2-2 स्ट्रक्चर, उसके बाद में 6x6 स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से आप इसको और तरीके से एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, कि भाई इससे क्या आपको मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है और इससे क्या मिल रहा है। तो उसके लिए देखिए मेरी आगे की प्रेजेंटेशन।
तैयार हो जाइए दोस्तों, आ गया है DXN की तरफ से एक IOC प्लान, आइसिंग ऑन द केक, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लान है जो आपका एग्जिस्टिंग सिंपल इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान है उसी के साथ में ये एड ऑन हो चुका है। इंडिया के अंदर ये पैकेज 20,000 रुपए का है। इस पर ISV 10,000 और PV 10,000 है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल पैकेज है। आप इस IOC के अकॉर्डिंग जो भी पैकेज खरीदेंगे, यानी कि आपके पास एक सीड स्टॉक होगा। थर्ड कि आपके स्टेटस में प्रमोशन मिलेगा, यानी कि आप अगर जल्दी से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में चार लोगों को ज्वाइन कराते हैं IOC पैकेज के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत ही जल्दी स्टार एजेंट भी बन जाएंगे और TSI क्वालिफिकेशन में भी ये बहुत ही मददगार है। फोर्थ हो गया कि आपको मंथली बेसिस पे इस पर कोई आपको PV क्वालिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बार आपने कर दिया बस वो फाइनल है, जिसमें आपको IOC पैकेज के अकॉर्डिंग बोनस मिलता रहेगा। उस बोनस की चर्चा हम आगे करेंगे। अब इस पैकेज का उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, नए लोग DXN में आएं, हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो, बाज़ार में जो भी स्पर्धा है उसमें हम अपने को और अच्छा बनाएं, अपना जो इनकम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए और इसके प्रोडक्ट को इसको यूज़ करें, शेयर करें और प्रोडक्ट को सेल करें। अब रूल फॉर द प्रोडक्ट परचेज, अब इसके अंदर एक IOC की यूनिट खरीदने के लिए सदस्य को 20,000 रुपये DP प्राइस की कीमत के प्रोडक्ट खरीदने हैं। अब इन प्रोडक्ट्स पर जो भी PV हैं उतने PV पुराने प्लान के एक्यूमुलेशन में, यानी कि PV उसमें जुड़ जाएंगे, उनको स्टेटस प्रमोट करने में, यानी कि स्टार एजेंट बनने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन जो उसके पुराने प्लान के अकॉर्डिंगली जो उसको PV करने होते हैं वो उसमें ऑक्यूपाई नहीं होंगे, ना ही उसके पर्सनल PV में, ना ही PG PV में और ना ही DG PV में। साथ में ओवरसी इंसेंटिव और हैंडफोन इंसेंटिव इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। जो आपका एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका फ़ायदा बस ये है कि आपको दोनों तरीके से बोनस आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब रूल फॉर स्पॉन्सरशिप, पुराने प्लान के अंतर्गत जो लोग जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं वही रहेंगे, उनको बदला नहीं जाएगा, किसी भी परिस्थिति में स्पॉन्सर नहीं बदला जाएगा। इसके अंतर्गत प्रोडक्ट की खरीद पूर्णतया अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा, यानी कि आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। अब इसका जो पार्टिसिपेटर ऑफ रूल्स है वो क्या क्या है कि अगर कोई भी इसको ज्वाइन करता है, अपनी ID पे लेता है, तो वो अपनी ID के अकॉर्डिंग ही नीचे दो स्लैब्स तक, यानी कि Generation 1 और Generation 2 तक अपनी दो IDs लगा सकता है। उसके बाद में उसको Generation 3 में किसी ना किसी को रिक्रूट करना ही होगा। देन अपनी डिफरेंट लेग में वो सेम प्रोसेस को कर सकता है, अपनी खुद की दो IDs जोड़ सकता है और उसके बाद में किसी को रिक्रूट कर सकता है, या अपनी खुद की ID के नीचे डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स वो लगा सकता है। अब इस आइसिंग ऑन द केक के जो एक तीर से 8 निशाने हैं वो क्या क्या हैं कि आपको कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मतलब आपको हर महीने PV नहीं करने होंगे। ये एक इंटरनेशनल पैकेज है, आपके TSIP में क्वालिफाई करने के लिए बहुत मदद करेगा। पेयरिंग सिस्टम नहीं है और ना ही कोई कैपिंग है। एक बार खरीदना है, जिंदगी भर कमाना है। आपके पर्सनल PV क्वालिफिकेशन को छोड़कर, यानी कि आपकी बस PV क्वालिफिकेशन में आपको प्रमोट करेगा, आपके स्टेटस को बढ़ाने में ये मदद करेगा। आपके पास CD स्टॉक होगा तो आप उसको सेल आउट कर सकेंगे और आपको एक सिंगल लेग से भी बहुत अच्छे से इनकम आएगी। अदर एडवांटेजेस क्या हैं जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, आप मिक्स रूप से आप उनको प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अब बिजनेस करने के लिए यह पैकेज सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल है, इस तरीके से ये पैकेज डिज़ाइन किया गया है। ये पुराने जो प्लान के अंतर्गत नई ज्वाइनिंग और बोनस बढ़ाने में ये मदद करता है और जो पुराने प्लान के अंतर्गत तीव्र गति से प्रमोशन में मदद करता है। अब अगर बोनस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप हैं और आप अगर किसी को फर्स्ट जनरेशन में रिक्रूट करते हैं तो उससे आपको 15% ISV वैल्यू का मिलता है, यानी कि 1500 रुपये। सेकेंड जनरेशन में अगर कोई आता है तो 10%, यानी कि 1000 रुपये। थर्ड जनरेशन में आता है तो 5%, यानी कि 500 रुपये, यानी कि आपको थर्ड जनरेशन से लेकर के 11th जनरेशन तक 5% मिलता रहेगा और वो होता है आपका 500 पर हेड। 12th जनरेशन के बाद में आपको प्रॉफिट शेयरिंग का 1.5% मिलेगा, जो कि एक फार्मूला बेस्ड है।
अब अगर हम 111 स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने मान के चलिए कि आप खुद फर्स्ट जनरेशन में हैं और सेकंड और थर्ड जनरेशन में अपनी आईडी लगा दी है, तो उससे आपको फोर्थ जनरेशन से जो बेनिफिट होगा कि 5% यानी कि ऊपर वाली आईडी के लिए, 10% इस आईडी के लिए और 15% इस आईडी के लिए, यानी कि टोटल होता है 15%, यानी कि 3,000 रुपये का आपको बेनिफिट होगा। फिफ्थ जनरेशन में कोई इंट्रोड्यूस होता है तो 5+5+10 यानी कि 20%, यानी कि 2,000 रुपये। सिक्स जनरेशन से लेकर के आपको 12 जनरेशन तक 15% के अकॉर्डिंग 1,500 रुपये पर हेड मिलेगा, यानी कि आपको 3 गुना पैसा आपको इन आईडीज़ की बदौलत मिल जाएगा। बात करते हैं 2-2 स्ट्रक्चर की बात, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में अगर हम किसी 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करते हैं तो उससे हमारे को बोनस मिलता है 3,000 रुपये। अब वो जब 2 से 4 होते हैं तो 4,000 रुपये, 4 से 8 होते हैं तो 4,000 रुपये, 8 से 16 होते हैं तो 8,000 रुपये, 32 हो जाते हैं तो 16,000 रुपये, 64 होने पर 32,000 रुपये, 128 होने पर 64,000 रुपये, 256 लोग हो जाने पर 1,28,000 रुपये, 512 लोग हो जाने पर 2,56,000 रुपये, 1,024 लोग हो जाने पर 5,12,000 रुपये, 2,48,000 जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको उस 11 जनरेशन पे 5% के अकॉर्डिंग मिलता है 10,24,000 रुपये। इस तरीके से आपकी कुल जो अर्निंग, कुल बोनस जो होता है आपका 20,51,000 रुपये होता है। अभी इस स्ट्रक्चर को अगर हम 6x6 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करें तो फर्स्ट जनरेशन में 6 लोग, सेकंड जनरेशन में 6x6 36, थर्ड जनरेशन में 216, फोर्थ जनरेशन में 1,296, फिफ्थ जनरेशन में 7776, सिक्स जनरेशन में 46,656। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन में आपको 9,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, सेकंड जनरेशन में 36,000 रुपये, थर्ड जनरेशन में 1,08,000 रुपये, फोर्थ जनरेशन में 6,48,000 रुपये, फिफ्थ जनरेशन में 38,88,000 और सिक्स्थ जनरेशन में 2,33,28,000। जी हाँ, क्या ज़बरदस्त बोनस है। अगर आप इस टोटल बोनस की बात करें तो आपने इस छठी जनरेशन तक आते आते 2,80,17,000 रुपये कमा ले। तो देरी किस बात की है, फॉर्म फिल कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, कहीं ये मौका छूट ना जाए, क्योंकि ये प्लान IOC जो प्लान है, आइसिंग ऑन द केक, लॉन्च हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 को, तो तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9997722238। थैंक यू सो मच।